मैं आ गई हूँ पार्लर पे, लेकिन अब मैं पहले सब्जी वाली मिली तो ये गावटी सब्जी लाई है, तो मैं थोड़ा सा गावटी सब्जी ले लेती हूँ। तो उसमें उसने दूधी लाया है और पालक लाया है और मिर्ची लाया है। तो पार्लर के यहाँ रोड पे ही पार्लर है, तो थोड़ा सा सामान ले लेती हूँ, सब्जी ले लेती हूँ कल के लिए, तो हो जाएगा। और ये फ्लावर्स तो गाइज मैंने ले लिए है तलने वाली मिर्ची, थोड़े से फूल लिए हैं और ये लिया है लौकी जिसकी मैं सब्जी बना डालूंगी। तो अभी आते ही पार्लर पे मेरी शुरुआत तो ऐसे हुई है सब्जी लेने से। अब पार्लर पे साफ सफाई करूंगी थोड़ा, और आज तो महाशिवरात्रि है पर मैं मंदिर में नहीं जा पाई, आज मुझे घर पे ही लेट हो गया था। ये है सामने ही मंदिर, और वो मंदिर पे देखिए सारी लाइन लगी है, भगवान का मंदिर है तो वहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है, और पूरी गर्दी हुई है तो मैं कोई जा नहीं पाऊँगी वहाँ तक। चलिए हम यहीं पे पूजा कर लेते हैं अपना, और शंकर भगवान को पांव पड़ लेती हूँ, सब कुछ अच्छा होए और पूरा साल अच्छा जाए, मेरा भी और आप सभी का भी। तो गाइस पार्लर पे आ गई हूँ और अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज है छुट्टी वाला दिन, तो आज तो मॉर्निंग में स्कूल भी नहीं है, प्ले स्कूल भी नहीं है, और छुट्टी वाला दिन है तो थोड़ी सी साफ सफाई कर लेती हूँ। ओके, इस तरह से मेरे दिन की शुरुआत हो गई है अभी पार्लर पे। गाइस देखिए रश तो अभी तक कुछ कम नहीं हुआ है, 12 बज गए हैं, और मैं सोच रही थी मंदिर जाके आऊँ लेकिन जा नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत रश है, बहुत लाइन लगी है। देखिए यहाँ से मेरे पार्लर से दिख रहा है इतनी लाइन लगी है मंदिर के आसपास। ये मंदिर है, आपको दर्शन करवा देती हूँ, और श्लोक चालू हो गए हैं मंदिर में, तो देखते शाम को तो और भी रश हो जाएगा, देखते मंदिर में जाने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो गाइस चलिए मैं मेरे पार्लर का टूर करवाती हूँ आपसे। ये डोर है, यहाँ पे ये एंट्रेंस है, विजिटिंग रूम है रखा है, ये मेरे प्ले स्कूल के बच्चे लोग की छोटी छोटी चेयर है, और अंदर जाके अब ये पार्लर स्टार्ट होता है जो आप रोज देखते ही हो। लाइट चालू कर देती हूँ, तो इस तरह से ये मेरा पार्लर है। तो गाइस दोपहर का 1 बजने को आया है, और सिर्फ मैंने मॉर्निंग से सिर्फ एक आईब्रोज किया है, क्योंकि आज शिवरात्रि है, सारे सब लोग बस मंदिरों की लाइन में खड़े हैं और शंकर भगवान को खुश करने के चक्कर में है, तो मॉर्निंग से कोई क्लाइंट नहीं है, बैठी हूँ मैं ऐसे ही आराम से, आराम कर रही हूँ, सब साफ सफाई करके, और मम्मी से मिलवाती हूँ। मम्मी मम्मी आप सबको हाय बोल रही है। खाने के लिए मैंने साबूदाना खिचड़ी बनाई है, तो अब थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे। और गाइस आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग गए कि नहीं मंदिर में? वही मैं बोल रही हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ कि कैसी मेरी लाइफ है, कि मैं पार्लर पे आके बैठी हूँ और मुझे मंदिर जाना है पर मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पार्लर छोड़ के वापस मंदिर कैसे जाऊँ, और मंदिर एकदम पास में है, एक बिल्डिंग छोड़ के थोड़ा सा वहाँ है, पर वहाँ पे इतना रश है कि मंदिर में जा नहीं पा रही हूँ मैं।
और मंदिर जाना बोला तो पार्लर बंद करके फिर वहाँ जाना पड़ेगा। देखते हैं शाम तक जा पाती हूँ कि नहीं। एक्चुअल में मॉर्निंग में ही चले जाना चाहिए था, गए साल में अच्छे से मॉर्निंग में हमारे यहाँ के मंदिर में जाके आई थी, पर ये साल मुझे घर पे ही लेट हो गया। घर पे इसलिए लेट हुआ कि अतिथि का लैपटॉप में ना कोई तो भी ऑटोमेटिक कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया था, तो बार बार उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, तो पूरा वो लैपटॉप फिर वो हमारा कुछ काम ही नहीं हो पा रहा था। वो एडवर्टाइज बीच में आ रही थी तो स्टक हो जा रहा था सब कुछ। तो फिर मैंने उसको फिर ठीक करवाया, वो भी कैसे, मैंने जब जिनसे लैपटॉप बनवाया था, मतलब अतिथि के लैपटॉप का एफ लेटर नहीं चल रहा था ना, तो मैंने लैपटॉप का पूरा वो कीबोर्ड बदलवाया था, तो जिनसे बदलवाया था उनका नंबर था मेरे पास। तो गाइस फोन आ गया था अतिथि का, और खाने में मैंने बनाई है साबुदाना खिचड़ी और सिंगदाने की चटनी, जिसमें मैंने नींबू शक्कर डाल के अच्छे से टेस्टी चटनी बनाई है। तब वो उपवास का खाना खाएंगे। तो मैं बोल रही थी कि लैपटॉप मैंने जो भैया से बनवाया था उनको उनको मैंने फ़ोन करके बोला कि देखिए मेरे लैपटॉप में क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपना उनका ऑफिस है, वो सब सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह है, तो उनका ऑफिस है, तो उनको मैंने वीडियो कॉल करके बताया कि देखिए मेरे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने वहाँ से बैठ के कोई एक ऐप डाउनलोड करने बोला मुझे, और फटाक से वो डाउनलोड हो गया। और उसके बाद उन्होंने मेरा लैपटॉप उन लोग के उसमें ऑन किया और फिर वहाँ से वो क्लोज करके दिया। तो सच में बहुत 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 अच्छा हुआ कि वो मेरा काम हो गया, नहीं तो 8 दिन से हम लोग परेशान हो रहे थे कि वो जो एडवर्टाइज आ रही थी वो उसको कैंसिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कहाँ से इसको स्क्रीन पे से हटाए। तो फिर वो काम हो गया तो लैपटॉप अब प्रॉपरली चलेगा, नहीं तो 8-10 दिन से परेशान हो रही थी अतिथि भी। तो गाइस ये बात बोल रही थी कि दुनिया में अच्छे इंसान भी बहुत है, और मेरा काम हो गया तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, नहीं तो वो मुझे इतना टेंशन आ रहा था। तो बस गाइस, और आप लोग ने आज उपवास में खाना का क्या बनाया है? गाइस मेरे फेस पे मत जाइए, मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, पर मुझे आपसे बात करनी थी तो मैं आ गई आपसे बात करने। ओके, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए आप लोग ने खाने में क्या बनाया है। अगर मैं आज घर पे रहती तो खाने में मुझे उपवास का वो मोरयू बोलते हैं हमारे यहाँ, मोरयू की मतलब वरी, महाराष्ट्र लोग वरी के तांदूल बोलते हैं, पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, तो वो मोरयू मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो गरम गरम मैं वो बनाती थी, पर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पार्लर पे आना था, तो इसलिए फिर मैंने आज साबुदाना खिचड़ी बनाई और सिंगदाने का चटनी बनाया है। तो गाइस चलिए खाना खाते वक्त मैं बताऊंगी मेरी साबुदाना खिचड़ी कैसी बनी है। ओके, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने क्या बनाया है उपवास में आज महाशिवरात्रि के दिन। और आज का मेरा दिन पार्लर में इसी तरह से चल रहा है, बस सुबह हुई, शुरुआत हुई है, और इस तरह से आराम वाला डे है, तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ कि मेरा पूरा दिन पार्लर पे आज महाशिवरात्रि का दिन कैसे जाता है, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए गाइस उपवास का खाना खा लेते हैं, और आप सब भी आइए मेरे साथ साबुदाना खिचड़ी खाने और ये सिंगदाने का चटनी। तो चलिए गाइस खाना खा लेते हैं पहले, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। यम्मी दिख रहा है एकदम से मस्त। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। तो गाइस खाना वाना तो खा लिया, मतलब उपवास का, अब मैंने सोचा चलो भगवान को थोड़ा सा रश नहीं है तो पाँव पड़ के आ ही जाते हैं, और जो मन की इच्छा है वो बोल देते हैं। तो मैं मम्मी और मैं, मम्मी बिजी है अपनी साड़ी संभालने में, मम्मी और मैं निकले हैं मंदिर के लिए। हाँ
गाइस मैं आपको मेरे साथ मंदिर लेके चल रही हूँ। मम्मी आने को तैयार नहीं थी, मैं जबरदस्ती लेके आई मम्मी को। तो मंदिर से आ गए हैं और ये मंदिर से प्रसाद मिला है। ये सब मंदिर से मिला है गाइस। तो गाइस हम लोग मंदिर जाके आ गए हैं और अब मैं बैठी हूँ नीचे जमीन पे, क्योंकि पांव थोड़े से फोल्ड करना अच्छा लगता है। और मंदिर में 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि पता नहीं लाइन लगी हुई थी अंदर मंदिर के अंदर। मुझे लगा बाहर लाइन नहीं है, बाहर थोड़ी सी लाइन है तो अंदर भी लाइन नहीं रहेगी, पर लाइन लगी हुई थी अंदर। और आज के दिन तो पता है ना लोग कैसा करते हैं, भगवान को छोड़ते ही नहीं है, आगे बढ़ते ही नहीं है। और जब तक ऐसा लगता है कि भगवान को उठा के अपने घर ही लेके जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि इतना पूजा करते हैं कि पूछो मत। उनको मतलब दूसरों को भी तो आप नंबर दो, आगे बढ़ो के नहीं। आज ही सारी पूरे साल भर की पूजा आज ही कर लेंगे। मम्मी को बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा, पर कोई बात नहीं। मुझे वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि मम्मी को साइड से विदाउट लाइन लेके चले जाओ, पर मैंने बोला नहीं, लाइन में खड़े रह के ही मम्मी जाएगी, उसमें क्या है, बड़ी बात नहीं है। जब सब लोग बच्चे लोग को ले लेके खड़े हैं लाइन में तो क्या हुआ, हम भी खड़े रह जाएंगे लाइन में। तो इस तरह से आज दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और जो विश मांगनी थी वो मैंने मांग ली। और आप भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको भी जो भी विश मांगनी है आप मांग लीजिए। और बस अब मैं थोड़ी देर के लिए लाइव जाऊंगी। और बस ऐसा होता है ना, हम कोई चीज़ मन में ठान लेते हैं ना तो करके ही छोड़ते। मुझे मॉर्निंग से हो रहा था कि शिट, मैं सुबह सुबह मंदिर नहीं जाके आई, सुबह मंदिर नहीं जाके आई, अब मुझे कैसे मंदिर जाने को मिलेगा, कैसे मंदिर जाने को मिलेगा। हमारे यहाँ का मंदिर, आप मेरे लास्ट ईयर वाला ब्लॉग देखिएगा महाशिवरात्रि का, उसमें मैंने बहुत अच्छा सा मंदिर दिखाया है और पूरा शिवरात्रि का ब्लॉग बनाया है, तो आप ज़रूर से मेरे बैक टू बैक वीडियो में जाके देख लीजिएगा। महाशिवरात्रि टाइटल ही दिया है उसका। तो गाइस मन में हो रहा था तो फिर मैंने हिम्मत करी और मम्मी को भी बोला। मम्मी बोलती है नहीं तू चली जा अकेले, मैं रहती हूँ यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, आज कोई क्लास वाले भी नहीं आने वाले हैं, चल अब हम लोग लॉक करके जाके ही आते हैं। तो आखिर में जाके आए और मुझे अब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तब मैं थोड़ी देर के लिए लाइव जाती हूँ गाइस और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। अभी मैं गई थी थोड़ी देर के लिए लाइव और लाइव को आधा ही बीच में छोड़ के मुझे एक क्लाइंट आ गई थी बालों में मेहंदी लगाने के लिए। तो उसका मैं कर रही थी, बालों में मेहंदी लगाई उसको
और अभी वो गई तो मेरा लाइव आधे से ही मुझे छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा नहीं लगता है, ज्वाइन हो रहे थे लोग और आधे से ही जाना पड़ा। पर गाइस दिन में तो ऐसे ही है, लाइव जाते हैं पर अगर क्लाइंट आई तो हमें उठना तो पड़ता ही है, तो लाइव को बीच में से ही कट कर देना पड़ता है। तो आज मैंने मॉर्निंग में आईब्रोज की, उसके बाद मैंने बालों को हेयर कलर लगाया है। अब देखते, आज छुट्टी वाला दिन है तो आज ना तो मेरे पार्लर पे क्लास वाले स्टूडेंट आए हैं और प्ले स्कूल भी नहीं था आज, तो आज आराम ही चल रहा है। उस बीच में एक बालों में मेहंदी लगाने वाली आ गई तो मैंने उसको मेहंदी लगा दिया है। और अब देखते हैं शाम को क्या हालचाल है। तो इसी तरह से मैं आपसे बार बार मिलती रहती हूँ और इस तरह से मेरा दिन बीत रहा है। और अभी बजे हैं दिन के 3:30, तो बस इसी तरह से दिन बीत रहा है और चल रहा है। मंदिर जाके आई हूँ और मंदिर में प्रे भी करके आई हूँ। तो अब मिलते हैं टी टाइम में, ओके। अभी क्लाइंट का वैक्स किया है और हेयर कट किए थे और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो चलिए किचन में मिलते हैं, मेरे पार्लर के किचन में, छोटे से लेके चलती हूँ आपको मेरे पार्लर के किचन में। तो गाइस देखिए मेरी चाय बन रही है और तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे और मैं साबूदाना खिचड़ी गरम कर रही हूँ। साथ में मैंने दही लेके आई थी, तो दही और साबूदाना खिचड़ी खा लेंगे अभी हम लोग। तो फ्रेंड्स खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी गरम हो रहा है और मैं आ गई हूँ घर पे अभी। और घर पे देखिए लाइट कितनी ब्राइट लग रही है, क्योंकि मैंने एलईडी लाइट लगाई थी, लगवा ली थी। और बस उपवास का खाना खाएंगे। और पता है गाइस, कल मैंने पपीता लिया था, तो पपीता कल रात को काटा ना, इतना मीठा कि ना पूछो बात। तो आधा खाया हमने और आधा रखा है, और उसमें इतने सारे बीज थे। तो मैंने रात को तो सोचा कि इसको मैं आंगन में उगा दूंगी, पर फिर मुझे ऐसा दिमाग में आया कि नहीं, पपीता का झाड़ नहीं उगाते, अच्छा नहीं रहता है। तो मैंने सुबह वो बीज फेंक दिए। पर गाइज फिर मैंने मम्मी को पूछा तो मम्मी बोलती उगाने का सब लोग उगाते हैं, कोई कुछ नहीं होता है, इतना डरने का नहीं। और तो आज सोचती हूँ आधा पपीता है तो उसमें के बीज निकाल के आंगन में पीछे की साइड उगाऊंगी। मम्मी बोलती आगे की साइड नहीं लगाने का, पीछे की साइड लगा देने का, हर किसी के घर में रहता है। तो गाइज अगर आप मुझे बताइएगा, अगर पपीते का झाड़ लगाना अच्छा है या नहीं अच्छा है, तब तक मैं बीज संभाल के रखूंगी। जो अगर मुझे कोई कमेंट्स करके बताएगा ना, जिसको पता है वो मुझे जरूर से बताना कि पपीता का झाड़ घर पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आजकल मैं बहुत वहमी हो गई हूँ, तो मुझे डर लगता है हर चीज से। तो आपको अगर पता है, कोई मेरा वीडियो देखेगा और उसको अगर पता है कि घर घर के आंगन में हम पपीते का झाड़ लगा सकते हैं क्या, उसके उससे कोई अपने को नुकसान तो नहीं है, अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट करके, ओके। तो बस यही सब चल रहा है। और चलिए मैं इस वीडियो को अभी एंड करती हूँ यहीं पे। आज का व्लॉग पूरा पूरा दिन से चल रहा है, और ये वाला व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर से कीजिएगा। और जो नया आए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय बाय। और गाइस कल मैं फिर से नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में।